आया है। लोग कहते हैं कि सरकार में दीपोत्सव पर आज भव्य दीपोत्सव है। ये जो अयोध्या का उत्सव है वो एक अनुपम छटा पूरे विश्व में बिखेर रहा है। साढ़े चार साल वर्षों में जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि स्थान पर यहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं और दीपोत्सव का जो कार्य है ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में ये अलौकिक छवि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो 12 लाख दीपक जलेंगे, 9 लाख तो सरयू तट पर ही होगा और 3 लाख मंदिरों पे होंगे, उसकी अनुपम छटा दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे राम भक्तों का जो तपस्या थी वो आज पूर्ण हुई है। यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पूरा अयोध्या नगरी बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हवाई अड्डा यहाँ पर बनना है, तमाम विकास के काम होंगे। ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विश्व का एक बहुत बड़ा ये केंद्र यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर एक विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत होगा जिसमें अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर ला रहे हैं, आज पूरा उसका परिदृश्य यहाँ पर हमारे सामने आएगा। हमारे साथ माननीय कमल पटेल जी, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश भी यहाँ पर आए हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 125 क्विंटल से ऊपर जो विभिन्न रंगों के अनाज हैं उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दरबार मध्य प्रदेश खरदा के कुछ कलाकारों के द्वारा उसको बनाया गया है। मैं भी इसकी शुरुआत करने के बाद जो भरत मिलाप की शोभा यात्रा है उसके बाद कमल जी के साथ हम लोग दरबार की तरफ जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर कि देख रहे हैं कि इसी तरह आज अयोध्या आए हैं, कैसा लग रहा है? अनाज से अयोध्या आकर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। यहाँ के कण कण पूजनीय मस्तक पर लगाने लायक है क्योंकि भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान है और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों की, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में आकर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे। मंत्री जी, अगर बात करते हैं दीपोत्सव में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है और ये अयोध्या दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नंबर एक धार्मिक और पर्यटन केंद्र और धर्म स्थल बनेगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। भारत दुनिया में नंबर एक, 21वीं सदी भारत की सदी होगी भगवान राम के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व।